मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अत्तहियात के आखिर में कौन सी दुआ पढ़ें? अत्तहियात में जब बैठते हैं तो आखिर में कौन कौन सी दुआ पढ़ी जा सकती है? अत्तहियात के आखिर में जब दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हम कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित हो, अखपल तरीके से, जिसे पश्तों में कहते हैं आप खुद से दुआ नहीं मांग सकते, क्योंकि नमाज में ऐसा कलाम जो लोगों के कलाम के मुशाबे हो वो जायज़ नहीं है, चाहे वो उर्दू में हो, अरबी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी ज़बान में। तो इसलिए वो दुआएं जो कुरान और हदीस से साबित हैं, रब्बना आतिना फ़ि दुनिया है, रब्बि जाली मुक़ीमस सलाती है, रब्बि ग़फ़िर वरहम अंत ख़ैरुर राहिमीन है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना, ये वाली दुआ है, अल्लाहुम्म ला मानिअ लिमा आतैत, ये वाली दुआ, जितनी भी दुआएं कुरान और सुन्नत में आती हैं सारी पढ़ लें, या आप इनमें से एक पढ़ लें, दो पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।